यस आई एम लाइव आई सो चलिए तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube लाइव सेशन में जहां हम वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का ताकि कोई भी एग्जाम हो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर उस एग्जाम में पूछी जाती है तो हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर ताकि उस आ, किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल तक की पूछी जाती हो बेसिक तो बेसिक एडवांस तो एडवांस सारा आपका एक ही सेशन से हो सके इसकी मेरी कोशिश है अभी इससे पहले कितने कितनेक्चर्स हो चुके हैं तो ये हमारा स्टूडियो के ऊपर चौथा लेक्चर होगा तो इससे पहले तीन लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी ले लिए है जहां बेसिक्स को डिस्कस करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे आज के लेक्चर का प्लान जो है वो तो सी रूल पढ़ाना था मेरा और आर एस कॉन्फ्रिगन तक पहुंचना था लेकिन चूंकि अभी पिछले लेक्चर का ही पार्ट बचा हुआ है जैसे कि कारल्टी इन स्पाइरो सिस्टम एलिन सिस्टम्स ये बचे हुए हैं तो पहले मैं उनको कवर करूंगा

आ, हम अपने साइड से इतना एफर्ट लगाते हैं ना तो हमें आपके साइड से रिस्पॉन्स चाहिए होता है और वो रिस्पॉन्स हमें आपका तभी दिखता है जब आप सेशन को लाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है ठीक है और जितने लोग जुड़ चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है भाई आपको बोलना पड़ेगा क्या बार बार गुड इवनिंग ब्रजराज गुड इवनिंग पूजा तबरेज गुड इवनिंग जीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग दीप मंजू गुड इवनिंग बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सभी को स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन के अंदर और हम आने वाले जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं मतलब तो मेन टारगेट हमारा नेट है और उसके इर्द गिर्द जितने भी एग्जाम्स आते हैं हम उन सब को निपटा सकते हैं और लेकिन अभी पर्टिकुलरली तो स्टीरियो केमिस्ट्री की डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टीरियो पे ही थोड़ा सा फोकस रखेंगे ठीक है एक छोटी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सेशन को शेयर कर दिया करो यार थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं तो पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी मजा आता है जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक हम आपको थोड़ा बहुत बेसिक टूल्स ऑर्गेनिक के दो ही बेसिक टूल्स एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक स्टीरियो केमिस्ट्री जो बहुत ज्यादा अहम होते हैं इस वजह से आ, इनको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब इससे पहले कि बाकी लोग और जुड़े हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं रिगार्डिंग बैचेस आप अगर हमारे फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या क्या आप बेनिफिट उठा सकते हैं सबसे पहली बात अगर आप हमारे ऐप को देख विजिट करें या आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें तो आपको जैसे जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चन पेपर ढूंढना या कभी कट ऑफ नहीं मिलना या कभी टॉपिक वाइज एनालिसिस नहीं मिलना तो ये सारी चीजें हर एक, एक एग्जाम के लिए आपको हमारे इस वेबसाइट पर मिल जाती हैं वेबसाइट है, है गूगल पे सिंपली आपको लिखना है डब्ल्यू और फिर सब कुछ आपके सामने है ठीक है तो इसका आप बेनिफिट जरूर से जरूर उठा सकते हैं और उठाइएगा उसके बाद रिपब्लिक डे और इस बार सेवेंटी इंक्लूडिंग द बैच वी आर विच गोइंग द बैच वी आर विच गोइंग टू स्टार्ट ऑन ट्वेंटी उस पर भी आपको मिल जाएगा सो so, <laughs> इसके लिए जो प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है वो आई एस विजिट द वेबसाइट या आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत डिटेल में ब्रीफ जानना चाहते हैं अबाउट लेक्चर्स अबाउट शेड्यूल्स टाइमिंग्स सब जानना चाहते हैं आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें आराम से वो आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर देंगे ठीक है तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जनवरी डेट याद रखिएगा अगर आपकी इच्छा है आपको लगता है तो यू कैन बिकम दार्ट ऑफ फैमिली और ये चीज सिर्फ लाइफ साइंस में सॉरी सिर्फ केमिकल साइंस में ही नहीं लाइफ साइंस में केमिकल साइंस में फिजिकल साइंस मैथमेटिकल साइंस अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हुए क्योंकि महाराष्ट्र सेट का एग्जाम आ गया और बहुत ही मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट के भी हैं तो उनके लिए हमने एक प्रीवियस ईयर बुक कंपाइल कर रखी है आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं और अगर आपको पेपर वन परेशान करता है तो आप पेपर वन के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हैं इसमें हमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन होते हैं अलग अलग स्टेट्स के उनको कंपाइल करके दे रखा है तो आइए आपके लिए एक फ्रूटफुल काम फ्रूटफुल बुक हो सकती है ठीक है टॉपिक हमने कल ही डिस्कस किया था सिक्स मेंबर ड्रिंक की कहानी को मैंने आपको ये समझाया था कि सिक्स मेंबर ड्रिंक को हम कैसे बना सकते हैं कल आपने और हमने मिलकर इसे हवा में बनाने की कोशिश करी थी और मेरे ख्याल से अब आप भी इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे क्या आपने घर पे ट्राई किया या? जितने लोग भी कमेंट सेक्शन में हैं अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो मेरे ख्याल से आप चेयर में तो परेशानी नहीं आती कुछ नहीं करना सिर्फ टू 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 करना है ये तो बन जाता होगा अच्छा चेयर फॉर्म की ना एक और खासियत होती है इसके अंदर ना ऐसे ऐसे भी कई लोग कहते हैं कि जब चेयर को आप ऊपर से देखते हो ये एक स्टार दिखाई देता है मतलब ऐसा इसके कार्बन को जब जो आप जोड़ते हो तो आपको एक स्टार भी दिखाई दे सकता है उस पर भी कभी चर्चा करेंगे अगर आप जानना चाहेंगे इस चीज को तो हम दिखा देंगे वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक से थोड़ा हटके बात है वो हमने चेयर फॉर्म्स को डिस्कस किया सिक्स मेंबर में हमने साइक्लो एक्सन के अंदर कारियल्टी निकाली हमने ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए जहां को मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव हो सकते हैं साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स जाने जिसके अंदर रेसमाइजेशन हुआ करता था यानी फ्लिपिंग के बाद जो रिंग होती थी वो रेसमिक प्रोडक्ट बना लेती थी जिससे फाइनल सोल्यूशन पूरा का पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाया करता था इसका जो पीछे पूरा कॉन्सेप्ट था वो भी हमने आपको सिखाया था साथ ही साथ ये रहा आपके पास वो कॉन्सेप्ट जो उस मॉलिक्यूल में लग रहा था ऐसा कहां, -कहां तो मॉलिक्यूल्स के, तो के अंदर ही जी लगाया था सर मेरे ख्याल से इतना आपको याद आ रहा होगा ये मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे अच्छा एलिन सिस्टम भी मैंने स्टार्ट किया था लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे जो कि टिफर एग्जाम का है जरा आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या कह रहा है uh, of one, two, आपको वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है पर चूंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आपके पास एक सि मोलिक्यूल दिया हुआ है कई सारे ऑप्शंस दे दिए हैं और पूछ रहा है कि बताइए इसके लिए एनेंशियोमर कौन सा मॉलिक्यूल होगा बता सकते हो क्या अगर आपने कल के लेक्चर को ढंग से अटेंड किया है समझ के अटेंड किया है तो ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो करिए फटाफट से और बताएं आपको क्या लगता है कि इसका एनेंशियोमर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए व्हाट डू यू थिंक सो बताइए एनी देखो यार कल ही मैंने चीख चीख के इतनी बार आपको सिखाया कि जब भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लेंगे सिस लेंगे तब कुछ मामले में बदलाव आता है ये मॉलिक्यूल जब फ्लिप करता है तो एनशियमर बनाता है यही तो हमने सिखाया था यार कल और आपको फोटो भी दिखाई थी बना बना के फिर भी आप इतना समय लगाएंगे आंसर करने में तो कैसे चलेगा देखो ये जो मॉलिक्यूल है जब ये फ्लिप कर अच्छा सर आपने फ्लिपिंग तो नहीं सिखाई

फ्लिपिंग के अंदर एक कार्बन सेंटर आगे जाना होता है जैसे ये वाला कार्बन सेंटर है तो एक कार्बन सेंटर आगे जाओगे तो कहां आ जाओगे यहां पे। तो ये एक्सियल है तो कहां हो जाओगे इक्वेटोरियल यानी फ्लिपिंग के अंदर सारे एक्सियल इक्वेटोरियल में और सारे इक्वेटोरियल एक्सियल में हो जाते हैं ये सी इक्वेटोरियल है यहां पर इसको भी एक सेंटर आगे करेंगे तो ये यह यहां हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा एक्सियल हो जाएगा याद आ रहा है और इसको जब मैंने 90 डिग्री से घुमाया था अच्छा इसका मिरर इमेज होता कैसे है तो मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसा दिखाई देगा याद करना जरा कल ही तो डिस्कस किया था यार CS3 और इस सेंटर पे CS3. ऐसा होता है मिरर इमेज कल ही हमने इस बात को देखा कि 90 डिग्री से रोटेशन करने पे ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है याद आ रहा है जैसे ही नब्बे डिग्री से करते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाता है यानी अगर मुझे ऑप्शंस के अंदर ये बना के ना दे और ये बना के दे तो कोई परेशानी थोड़ी है यानी ऑप्शन नंबर बी तो हम आंख बंद करके टिक मार सकते हैं ना जी अगर आप ऐसा करेंगे कि आप गलत आंसर इसके बाद भी बताएंगे तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा कि नहीं दीप मंजू शीतल बताइए अब गलती तो नहीं होगी समझना है कॉन्सेप्ट को पकड़ना है याद नहीं करना कुछ आपको ठीक है बाकी हम आपके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर का एक सेशन भी रखेंगे एक क्लास जिसमें हम सारे की सारी प्रीवियस ईयर करेंगे लेकिन अभी कल बोला था मैंने एक क्वेश्चन आया हुआ तो मैंने डिस्कस भी कर दिया गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग बीपी जी चलिए आगे बढ़ते हैं कल हमने एलिन सिस्टम्स को स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये कुछ होमवर्क दिए थे कि इसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है अगर आपने सच्ची में दिल लगा के ये, आ, किया होगा, तो एक बार आंसर बताओ ये क्या कि क्या आ रहा है किसमें प्लेन है किसमें नहीं है इसमें से किस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी किसमें नहीं होगी बोलिए फटाफट क्या आप सही में होमवर्क करते भी हैं या बस एक बार पढ़ लिया तो कॉपी बंद कर दी क्या करें आप लोग ठीक है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ अगर मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूं तो आप सीरियसली पढ़ने को राजी ही नहीं होते यही तो दिक्कत होती है यूट्यूब पे इसलिए कोई टॉपिक शुरू होता है ना तो पूरा खत्म ही नहीं हो पाता यार क्योंकि आप लोग बीच में साथ ही छोड़ देते चलिए फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं अब इसके अंदर मैंने क्या बोला था एलिन सिस्टम के अंदर साइड जी परपेंडिकुलर होते हैं। एक मैं डिटेल में बताऊंगा बाकी मैं वन से, से आगे टू रहता है टू से आगे थ्री रहता है फिर से एक बार अपनी इमेजिनेशन को जगाएंगे ठीक है कल की जो शक्ति हमने पैदा करी है उसको फिर से जगाएंगे कार्बन वन मेरे पास कार्बन वन से आगे कार्बन टू कार्बन टू से आगे कार्बन थ्री कार्बन थ्री से जनाब दो सब्सिट्स लगे हुए हैं एक ए ऊपर जाता है एक बी नीचे जाता है वन के पास से एक मेरे इस शोल्डर पर ए जाता है एक मेरे इस शोल्डर पर ए जाता है दिखाई दे रहा है मैं एक प्लेन लेके आऊंगा और ऐसा प्लेन डाल दूंगा ताकि ए और बी प्लेन में ही कट जाए इस शोल्डर का ए इस शोल्डर के ए को चमाचम रिफ्लेक्ट हो जाएगा बोली बात समझ में आ रही है यानी इसके अंदर तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी प्रेजेंट क्या हम एलिन सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्कस भी करते हैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करते हैं यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है कल ही एक्सप्लेन किया था यानी ये मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा जी एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा क्लियर है दूसरा वाला देखो दूसरे वाले सिस्टम के अंदर अब अच्छा इसमें ना एक शॉर्टकट लगा सकते हो क्या अगर कभी भी आपको एलिन के अंदर एक ही साइड पर सेम टाइप के सब्सिक्वेंट्स मिल जाएं तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि प्लेन प्रेजेंट होगा क्योंकि दो तरीके के प्लेन है एक ऐसा और एक ऐसा अगर इधर सेम मिलेंगे तो सर ऐसे डाल देंगे और अगर इधर सेम मिलेंगे तो ऐसे डाल देंगे समझ रहे हो तो जैसे हमने सेकंड ऑप्शन को चूज किया तो सेकंड वाले, वाले क्वेश्चन के अंदर इधर हमें सेम मिल गया अगर किसी भी साइड पर सेम मिल गया तो सीधा बोल सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री एबसेंट होगी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बोलो बात समझ में आ रही है अब आते हैं सी वाले में सर इसमें तो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा दोनों तरीके से एग्जिस्ट करेगा तो भर भर के प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें तो क्या सेंटर होगी एलिन में कभी भी सेंटर नहीं होगा ये कल हमने बताया था अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो आज क्लास में पूछ सकता है हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा जी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा अब मान लीजिए हमारे पास डी वाला मॉलिक्यूल आ गया अब डी वाले केस में हमारे पास तीन एल्किन्स हैं लाइन पे वन टू थ्री तीन एल्किन्स हैं अब इस केस में साइड सब्सटिट्यूएंट्स कैसे होंगे तो जब भी मेरे पास एन इक्वल यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड होते हैं क्या होते हैं जी ऑड ऐसी सिचुएशन में ये सारे सिस्टम ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लेनर है प्लेनर है तो सर एक चीरता प्लेन लेके आइए सबसे पहले आइए बी और डी को काटिए कार्बन की चेन को काटिए काटिए ए और सी को खत्म करिए सब कट कर जाएंगे इसका मतलब जी हां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्योंकि प्लेनर है उसके बाद सर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सेंटर कहीं यहां पे होगा जब प्लेनर है तो चेक करना पड़ेगा पर सी की मुलाकात बी से तो बात नहीं बनेगी हम बोलेंगे आ, सर ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ई वाले मॉलिक्यूल पे आते हैं लास्ट मॉलिक्यूल जब हमने देखा तो सर इधर भी अलग सब्सटिट्यूंट इधर भी अलग सब्सटेंट अब ना इसमें वर्टिकल मिलेगा और ना ही इसमें हॉरिजॉन्टल मिलेगा जब दोनों ही एब्सेंट हैं तो हम सीधा लिखेंगे पीओएस एब्सेंट ऐसी सिचुएशन में सीओ एस और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव क्या ये सारे एग्जांपल्स आपको डाइजेस्ट हो रहे हैं भाई कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेंगे हाँ नो ना नो कुछ तो बोलो भाई हमें कौन सी आपकी फोटो दिख रही है हमें तो सिर्फ आपके कॉमेंट्स ही दिख रहे हैं बताइए विक्की कह रहे हैं कि सर ई में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये भगवान विक्की कल के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए आपने बताइए लेक्शन नहीं अटेंड कर रहे हैं आप रेगुलरली तो फिर ऐसे ही जवाब दोगे चलो एक बार मैं ई वाले मॉलिक्यूल को दोबारा दिखा देता हूं मान लो इसमें इसके अंदर नंबरिंग कर दी हमने फिर से ये वन हो जाएगा ये टू ये थ्री वन मेरे पास है वन से मान लो बी इधर है और ए इधर है वन से आगे जाऊंगा टू फिर थ्री अब इसमें ए ऊपर है और बी नीचे है जब इस ए बी को काटूंगा तो फिर ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं होगा इस ए बी को काटूंगा तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं होगा बात समझ में आ रही है यानी किसी भी तरीके से प्लेन नहीं प्रेजेंट ठीक है ना चलो आगे चल रहा हूं मैं फिर नेक्स्ट आते हैं स्पाइरो के ऊपर एलियंस खत्म किया अब थोड़ा सा पेस पकड़ता हूं जल्दी जल्दी से आपके सिस्टम्स खत्म करता हूं स्पाइरो सिस्टम्स कैसे होते हैं तो देखो जब मैं दो रिंग्स को ना एक ही कार्बन सेंटर से फ्यूज करके बनाता हूं तो ऐसे सिस्टम्स वो कैसा होगा जी हैं sp3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल मान लो इस साइड पे जो हाइड्रोजन लगे हैं मैंने इनको इन द प्लेन मान लिया कि जिस प्लेन में मैंने दिखाया ये उसी प्लेन में बने तो तुरंत साइड वाले जो सेंटर पे होंगे यानी सेकेंड अपोजिट सब्सटीट्यूएंट जो होंगे ये क्या होंगे परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे जब आप कभी स्पाइरो में कंफ्यूज होने लगो तो आप इसको एलिन से कंपेयर कर सकते हो कैसे आप इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक कार्बन मान लो और एक रिंग के करस्पॉन्डिंग एक एल्किन मान लो तो सर यहां पे एक एल्किन बीच वाला कार्बन एक एल्किन और कार्बन वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू वन एल्किन

स्पाइरो रिंग्स को के बारे में भी ये बोला जाता है कि ये जो रिंग्स होती है ना ये परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती हैं यानी परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं पर अभी तो ये सब कुछ बराबर दिख रही है सर कैसे परपेंडिकुलर होंगी तो समझो अगर मैं इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या बताओगे sp3 बोलोगे अगर ये sp3 है तो ये भी क्या होगा जी टेट्राहेड्रल अब किसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में दो चीजें तो इन द प्लेन होती हैं एक अबब होता है एक बिलो होता है यानी ये जो वैलेंसी मैंने यहां बनाई है ये तो पूरा का पूरा रिंग एक इसी तो बॉन्ड कहां जाएगा ये चाहेगा कि ये अब प्लेन चला जाए तो ये कुछ डार्क से बनाना पड़ेगा मुझे करेक्ट और जो नीचे वाला बॉन्ड है ये कैसा होगा ये बिलो द प्लेन तो इसको डैश से बनाना पड़ेगा मुझे और फिर से इस सेंटर पे प्लेनर हो जाएगा क्योंकि ये भी कैसा है एस पी थ्री टेट्राहेड्रल है इसका मतलब इसमें एक रिंग कैसी है फ्लैट ऐसी पड़ी हुई और दूसरी रिंग कैसी है तो परपेंडिकुलर बोलो बात समझ में आ रहा है इसको देखो तो ऐसा दिखाई देगा यानी इसके अंदर साइड सब्सटीट्यूएंट्स तो परपेंडिकुलर है ही लेकिन रिंग्स भी क्या है परपेंडिकुलर क्या बात समझ में आ रही है अगर ऐसे सिस्टम्स में आपको मैं पूछूं कि बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी या नहीं और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्या जवाब दो गया जरा प्लेन के बारे में बताना प्लेन प्रेजेंट होगा या एबसेंट होगा सोच के बताइएगा थोड़ा ठीक है सोचिए फटाफट क्या लगता है आपको कि प्लेन प्रेजेंट होगा या एबसेंट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट बहुत बढ़िया ममता कह रही है कि सर एबसेंट होगा बाकी लोग भी बताएं जो आपको लगता है बताइए बाकी एक्सप्लेन करने के लिए तो हम है ही प्रेजेंट होगा मनीषा को लगता है प्रेजेंट होगा प्रेजेंट होगा सर अब क्या हमें नाम ले लेके बोलना पड़ेगा भाई अरे बताओ ना यार प्रेजेंट होगा बहुत बढ़िया चलिए इसको थोड़ा और विजुलाइज करते हैं जिन लोगों को एबसेंट लग रहा है उनको भी प्रेजेंट करवाते हैं कैसे दिखाई देगा मान लो कि ये वाला जो रिंग हमने ऐसे डार्क और एक डैश से बनाया है वो मेरे पास है तो ये रिंग कैसे है इस तरीके से है जैसे मैंने ऐसे यहां पे पकड़ रखा है ये एक रिंग है जिसमें एक ऐसे और एक ऐसे हिस्सा जाता है यहां पर मैंने इस कार्बन को क्या बोल दिया वन बोल दिया चलो अब वन वाले सेंटर से एक हाइड्रोजन इस शोल्डर पर और एक हाइड्रोजन इस शोल्डर पर अब यहां फिर एक ऐसी रिंग आ गई ठीक है और यहां पकड़ लिया टू कार्बन तो ये हो गया टू कार्बन अब यहां की जो रिंग है ना वो फ्लैट ऐसी पड़ी हुई है फ्लैट ऐसी हो गई अब यहां पे पकड़ लिया कार्बन नंबर थ्री इससे एक हाइड्रोजन ऊपर जाता है और एक हाइड्रोजन नीचे आता है जब मैं ऐसा प्लेन डालूंगा ना तो जो ये मेरे पास वाली रिंग थी पूरी प्लेन में कट जाएगी जो आपके साइड वाली थी ये बीच में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और एक ऊपर और एक नीचे सब्सिटेंट प्लेन में कट जाएगा यानी जब मैं एक ऐसा प्लेन डालूंगा तो ये कार्बन इसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये हाइड्रोजन ये, ये प्लेन में कट जाएंगे मेरे इस शोल्डर का हाइड्रोजन इस शोल्डर को रिफ्लेक्ट हो जाएगा थोड़ा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि एलियंस रिंग्स बनी होती है ये सेम वही रूल फॉलो करते हैं जो एलियस में कर रहे थे तो आप चाहो तो इनको एलिन समझ के भी कर दोगे ना तो आंसर एकदम सही आएगा यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये वाला भी प्रेजेंट होगा और ये वाला भी प्रेजेंट होगा बोलो बात समझ में आ रही है सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में टिप्पणी करें क्या लगता है प्रेजेंट होगा या एबसेंट होगा क्या कहती है जनता कि किसी स्पाइरो सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए या नहीं ढूंढने के लिए क्या करते हैं अगर कोई नया बच्चा है तो पहले सेंटर में बैठना है फिर 180 डिग्री आपको अपोजिट डायरेक्शंस में चलना है अगर सेम चीजें मिलती हैं तो जी हाँ प्रेजेंट है अगर नहीं मिलती हैं, तो जी हां एबसेंट है चलिए निकालिए फटाफट अच्छा मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि इन क्लासेस को बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइव लेक्स अटेंड करें अगर कर सकते हैं तो ठीक है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अगर लाइव में रहेगी ना तो मैं सच्ची बता रहा हूं मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज को खत्म कर पाऊंगा वरना मैं मजबूरन बीच में छोड़ना पड़ जाएगा और फिर बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा प्रेजेंट है प्रेजेंट है बिल्कुल सही क्या बात है आओ देखें सेंटर ऑफ सिमेट्री जरा अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो सेंटर कहीं यहां पे एग्जिस्ट करेगा सर सेकंड नंबर के पास तो एक रिंग मेरे पास यूं पड़ी है ये रहा कार्बन नंबर टू और एक रिंग ऐसी पड़ी है फ्लैट अच्छा जब मैं सेंटर से बैठ के यहां अपनी साइड ऊपर आता हूं तो एक रिंग मिलती है और जब इसी लाइन को पकड़ के नीचे जाता हूं तो नीचे क्या मिलता है खाली स्पेस अरे यार जब एलिन में नहीं हुआ इसमें कहां से हो जाएगा फिर से सुनो एकदम फिर से सुनो मैं अगर कार्बन नंबर टू को पकड़ू यहां से ऊपर आऊं तो रिंग मिलेगी क्योंकि मेरे पास ऐसी रिंग है और यहां ऐसी है अब इसी लाइन को पकड़ के नीचे जाऊंगा तो क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ना खाली स्पेस कान पकड़ लो ना एलिन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी और ना ही स्पाइरो में होगी इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो तो बताना आसान था क्या बात समझ में आ रही है कि हाउ सेंटर ऑफ इज एबसेंट थ्री डायमेंशनल में इमेजिन करना होगा कॉपी में पेन नहीं चलाना है आपको टू डी के अंदर थोड़ी ये डायग्राम्स बने हैं क्या बात समझ में आ रही है विजुलाइज कर पा रहे हो स्टीरियो इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा इमेजिन करना सीखिए हालांकि इन मॉलिक्यूल से मुलाकात दोबारा होगी कब जब हम आर एस कॉन्फ्योगेशन निकालेंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स मैंने डिस्कस किए ना इन सब में आर एस कॉन्फ्यूशन निकाल रहे होंगे लेकिन वो थोड़ा बाद में जी क्लियर है चले कुछ एग्जाम्पल्स करोगे क्या जिसमें मैं सबेंट्स बदलूंगा आपको पता करना होगा कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है देखिए जरा ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं चालू हो जाइए और मुझे बताइए ए बी सी ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ए इसमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिव हैं कौन से ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं बताएं नो no, सर जी कंटिन्यू बीपी चाहते तो हम भी हैं कि मैं स्टीरियो पूरा खत्म कराऊं पर क्या करें आपका रिस्पांस ऐसा डल रहेगा सर तो आप लोग तो आते हो लाइव अच्छी बात है पर क्या करें हमें भी तो एक मोटिवेशन की जरूरत होती है ना यार चलें बताएं फटाफट से पहला वाला केस आपको दिखाई दे रहा है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या लगता है कौन सा एक्टिव कौन सा इनएक्टिव आंसर करेंगे भाई ठीक है सभी लोग बताएंगे जितने लोग एटलीस्ट लाइव हैं आप तो कमेंट करो आप तो पार्टिसिपेट करो गलत ही होगा और क्या होगा बताइए फटाफट फर्स्ट वाला मनीषा कह रही है कि सर फर्स्ट वाला एक्टिव है बाकी सब इनएक्टिव है मतलब ऐसा रायता हम कैसे समेटेंगे मनीषा फिर बताइए कैसे अगर आपको स्पाइरो में दिक्कत आता है आप इसको एलिन समझ के कर दो एलिन में शॉर्टकट बताया है वो अपना लो कुछ तो करो लगाओ चलो <coughs> बहुत बढ़िया सॉरी सर लास्ट वाला भी एक्टिव है सॉरी मनीषा आपका लास्ट वाला भी आंसर गलत है क्या कर रहे हैं आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा <coughs> फिर से करिए एक बार ट्राई देखिए फर्स्ट वाला एग्जांपल हम आपको समझाते हैं अरे इसको क्या हो गया हाँ देखो भाई <coughs> की तो नहीं समझ के कर देते यार तब भी आ जाता देखो ना इस सेंटर पे और इस सेंटर पे सब लगे हैं अगर किसी भी साइड सेम टाइप के सब मिल जाएंगे तो यार प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट हो जाएगी ना बस इतना ही तो करना था तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगी ही नहीं मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना यार सीएल और एच को काटता हुआ प्लेन डाल दो एच एच को रिफ्लेक्ट हो जाएगा बीच के मामले अपने आप समझ जाते हैं तुम्हें नहीं सोचना उनके बारे में नहीं समझ में आता एलिन बना लिया करो ये रहा अबब अब और बिलो फिर उसके बाद एच और सी एल एलिन समझ के कर लो जैसे समझ में आए वैसे कर लो बात समझ में आ रही है अब वैसे ही बी वाले पे आते हैं इसमें तो दोनों साइड सेम है इधर भी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स इधर भी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें यानी वर्टिकल भी प्रेजेंट होगा और हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट होगा ऐसे केस में फिर से बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी होगी नहीं मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है अब जब C मॉलिक्यूल के पास आओगे तब कुछ बात बनेगी C के अंदर देखो इधर भी Cl और H, यानी यहाँ पे भी क्या है डिफरेंट यहाँ पे भी Cl और H, यानी पे भी क्या है डिफरेंट तो क्या प्लेन एग्जिस्ट कर पाएगा सोच के देखो जरा अगर मान लो मैंने एक कार्बन यहां पकड़ लिया मैं इसको तो इमेजिन करवा देता हूं वरना जो रायता आपने फैलाया है ना कैसे समेटेंगे हम उसे फिर देखो वन टू थ्री कर लिया वन वाले सेंटर पे सब लगे हैं एक मेरे इस शोल्डर पर मान लो सी आता है और यहाँ एच आता है यहाँ की रिंग यू पड़ी हुई है यहाँ की रिंग फ्लैट पड़ी हुई है और यहाँ एक सब्सिटेंट सी और एच जाता है बीच का भूल जाओ जब मैं यहां से काटूंगा तो मेरे शोल्डर वाले रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब मैं यहां से काटूंगा तो ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होगा बोलो बात समझ में आ रही है यानी जब दोनों साइड अलग अलग हो गए तो प्लेन एब्सेंट हो गया और जब प्लेन एबसेंट हो गया तो सेंटर एब्सेंट हो गया वो तो पहले से एबसेंट रहता है हमेशा तो ऑप्टिकली इन सॉरी तो फाइनली हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा समझ में आ रहा है उसके बाद हम बात करेंगे डी मॉलिक्यूल की अच्छा डी मॉलिक्यूल के अंदर रिंग्स कितने लगा दिए एक दो और तीन जरा मुझे बताओगे साइड सब्सिटेंट्स सेम प्लेन में होंगे या परपेंडिकुलर प्लेन में मैं इनको करली बना दे रहा हूं बताइए ये जो साइड सब्सिटेंट हैं ये सेम प्लेन में होने चाहिए या परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे सर वही एलिन का रूल लगा देते हैं अगर मान लो कि एक यहां पे अगर हम इक्विवेलेंट चेक करें तो ये तीन एल्कीन के बराबर है Odd number of lkins, मतलब तो 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 सर ये तो same plane में आ गए तो यानी मैं 100 rings भी ऐसे लगा दू ना तब भी आप पहचान सकते हो कि क्या होने वाला है होगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि चूंकि सब कुछ सेम प्लेन में है तो ऐसा प्लेन लेके आओ और काटते पीटते निकल जाओ देखो समझते हैं अगर हम यहां से बनाए मान लीजिए हमने माना कि ये वाली जो रिंग है वो कैसी है एक ये वाले जो है, वो सेम प्लेन में है तो यहां से चलेंगे तो सर ये फिर एक अब और एक बिलो होगा तो इसको थोड़ा डार्क से बनाना पड़ेगा तो इसको क्या किया मैंने डार्क से बना दिया ठीक है जी ये कर दिया ये वाला कैसा हो जाएगा डैश ऐसे सेकंड नंबर की जो रिंग है वो पूरी प्लेनर और फिर से ये वाली जो रिंग है वो कैसी हो जाएगी आ, सर एक अबब और अच्छा हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या जी एक सेकेंड रुको मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ सा कर दिया मान लेते हैं कि ये कैसा है एक अब प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाएगी प्लेनर ये कैसी हो जाएगी आपके पास अबब दी प्लेन ऐसे भी बना सकते हैं और ये कैसा हो जाएगा बिलो द प्लेन फिर ये कैसा हो जाएगा आपके पास एक प्लेनर नहीं सही तो कर रहे थे यार हमने फालतू तो बदल दिया ये कैसा हो जाएगा प्लेनर और फिर ये कैसी हो जाएगी अब सकते हो दोनों अब अब बिलो कर लिया या दोनों को सेम प्लेन में कर लो तो सर फिर से हम क्या बोलेंगे सेम प्लेन में है एक प्लेन लेके आओ जो दोनों साइड सबसे काटता का निकल जाए तो इसके अंदर अगर मान लो हमने एक ऐसा प्लेन डाला जो एच 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 एच, एच को काट दे तो क्या होगा इसमें सर ये बीच वाली रिंग पूरी कट जाएगी ये वाला कार्बन इसको रिफ्लेक्ट ये वाला कार्बन इसको रिफ्लेक्ट नहीं लगाना इतना दिमाग मत लगाओ एलिन बना लो और साइड सब्सूडेंट प्लेनर कर लो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा स्पाइरो सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है अब देखो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने वाली बात है जरा सोच के बताओ कि डी में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा बाकी मॉलिक्यूल तो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्याल रहे हैं ये थोड़ा सा मामला टिपिकल बनेगा सोचो अब यहां पे नंबर ऑफ है? तीन है। इस मॉलिक्यूल का सेंटर कहीं यहां पे होगा ये आपको इमेजिन तो हो रहा है ना या मैं इसको इसकी फॉर्म को बदल दूं ऐसा करते हैं इसको फॉर्म को बदल देते हैं तुम्हारे लिए और आसानी हो जाएगी जस्ट गिव मी अ सेकेंड ये प्लेनर माना था यही वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा इसको हम बना लेते हैं क्या अब, अब और ये कैसा हो जाएगा बिलो ये प्लेनर और ये फिर से कैसा हो जाएगा जी अब, अब और ये कैसा हो जाएगा बिलो ये ज्यादा बेटर है समझने के लिए साइड सब्सिक्वेंट्स भी कैसे लगे हैं प्लेनर अब हम मॉलिक्यूल के सेंटर में बैठेंगे तो ये कहीं यहां पे होगा यहां से ऊपर जाएंगे तो एक कार्बन और यहां से नीचे आएंगे दो तो कार्बन

अगर परपेंडिकुलर होगी तो होगी फिर वो अब आप खाली चेक कर लो साइड सब्सिट्यूएंट सेम है इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है सबको बताइएगा अगर ये डाइजेस्टेबल है तो फिर आगे चलते हैं स्पाइरो सिस्टम को छोड़ के और एक बहुत ही तगड़ा सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसको बाई फिनाइल्स बोला जाता है और बाई फिनाइल्स के अंदर एक एट्रॉप आइसोमरिज्म भी होता है कुछ उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा एक्सलेंट आर्ट गैलरी टेन हेलो सर हेलो जी आर्ट गैलरी टेन चलें आगे फिर चलिए स्पाइरो समझ में आ गया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अ लिटिल रिमाइंडर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर बैच एट ट्वेंटी अगर कोई बच्चा अभी बाद में जुड़ा है तो ये किसके लिए बैच है तो जो भी एस्पायरेंट्स जून में होने वाले नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं इफ दे वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑफ अवर फैमिली आप चाहते हैं कि एक शेड्यूल और डिसिप्लिन तरीके से आप अपने कोर्स को खत्म करें तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं ठीक है तो इस रिपब्लिक डे पे आप लोगों को कुछ ऑफर्स भी हैं आप उसको भी अवेल कर सकते हैं चलिए अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट के के कुछ नहीं है खाली जो बाईफिनाइल्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर आइसोमरिज्म हम दिखा सकते हैं उन्हीं को बोलते हैं इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे लेकिन पहले तो हमें क्या समझना है बाईफ क्या होते हैं देखना अगर हमारे पास एक रिंग ऐसी लगी हो और यहां से जोड़ के हमने एक रिंग यूं लगा दी तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है ये बाइफिनाइल है अगर हमने यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया इधर और एक हाइड्रोजन लगा दिया इधर उसी तरीके से एक यहां पे लगा दिया और एक यहां पे लगा दिया तो आप मुझे बताओ कि ये बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है अभी आपको क्या लगता है पहले आप अपना इनपुट दो फिर हम समझ के आपको बताते हैं कि आप कितना जान रहे हैं इसके बारे में उसी हिसाब से हमें बताना पड़ेगा बताएं दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्या लगता है आपको कार्तिक पूछ रहे हैं हैं कि सर सर मंथली फीस भी दे सकते कार्तिक इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना बैच रिगार्डिंग तो आप हमारी टीम से एक बार कॉन्टेक्ट करें वो आपको सब कुछ बता देंगे क्या है कैसे इंस्टॉलमेंट भी पे करना है या जो भी चीजें आपको जाननी है बैचेस के बारे में जाननी है आ, कौन कब कोर्स खत्म होगा सब शेड्यूल वगैरह जानना है तो टीम आपको खुल के बता देगी ठीक है सोनीपाल कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है आ, समझ तो नहीं आएगा लेकिन समझ एक बार जाओगे तो जरूर समझ में आएगा ठीक है सोनीपाल जी आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए या नहीं किए तो थोड़ा सा धैर्य के साथ सुने तब आपको समझ में आएगा देखो भाई जब हम इस बाईफिनाइल सिस्टम की बात करते हैं तो ये दो यहां पर दो रिंग्स जुड़ी हुई हैं और ये एक सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है मानते हो मेरी बात और जब किसी बाइफिनाइल में पड़ोसी सेंटर्स छोटे-छोटे होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत छोटे साइज के होते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स खूब एकदम दबा के रोटेशन दिखाते होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड तो रोटेशन करता ही है इसका मतलब इस सिग्मा बॉन्ड के ये दोनों रिंग्स एकदम जू 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 घूम रही होंगी ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ये कहते हैं कि यहां सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग टू एंड फ्रो रोटेशन चल रहा होता है क्या चल रहा होता है जी टू एंड फ्रो रोटेशन चल रहा होता है और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर टू एंड फ्रो रोटेशन चलता है ना तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ये कैसे हो जाता है सर तो इसके लिए थोड़ा सा सबर रखो जब मैं आपको आर एस डॉमिन क्लेचर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि ये कैसे टू एंड रोटेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है एक्चुअली यहां पर भी ना रेसमाइजेशन का ही फिनोमिनल हो जाता है जो ऊपर हुआ था अभी सिक्स मेंबर रिंग में यहां पे भी वैसा ही होता है लेकिन अभी के लिए हम समझेंगे कि जहां रोटेशन हुआ वहां मामला इनएक्टिव हो गया अभी के लिए ऐसे समझेंगे बहुत बढ़िया सर अगर क्या हो कि सर इन ग्रुप्स के जगह पे हम बड़े बड़े ग्रुप लगा दें तो बल्कि साइज के ग्रुप लगा दें तो आओ देखते हैं फिर क्या होगा ऐसी सिचुएशन में क्या टू रोटेशन हो पाएगी? लगता तो नहीं है मैंने एक रिंग यहां पे ली और एक रिंग यहां पे ली हमने इस सेंटर पे क्या लगा दिया एक बहुत ही बड़े साइज का ग्रुप सीओ एच और इस सेंटर पे क्या लगा दिया चलिए एक एनओ टू ग्रुप लगा दिया ठीक है यहां पे हमने दोबारा से COOH लगा दिया और इस सेंटर पे NO2 लगा दिया ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इतने ग्रुप्स दोनों साइड लग जाएंगे तो क्या अब टू एंड फ्रो रोटेशन हो सकती है रिंग घूमने की कोशिश तो करेगी लेकिन टकरा जाएगी इधर सी ओ एच है एनओ टू जाएगा खट घूमने ही नहीं देगा अगर आसानी से रोटेशन ही नहीं हो पा रही है इसका मतलब अब रिंग्स कभी टू एंड फोर रोटेशन तो नहीं दिखाएंगे लेकिन ये एग्जिस्ट करेंगी एक ऐसे फॉर्म में जहां बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से दूर रह सकें ऐसी situation में बोला जाता है जहां कोई रोटेशन पॉसिबल ना हो कि दोनों रिंग्स कैसे एग्जिस्ट करेंगी और पेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी तो एक रिंग को हल्का सा मुझे क्या दिखाना होगा अब द्लेन देखना कैसे तो ऐसे एक को हल्का 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 सा मुझे क्या करना पड़ेगा डार्क करके दिखाना पड़ेगा ऐसा आपने किताबों के अंदर देखा होगा लिखा होगा या एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें देखा होगा तो इसको डार्क कर दिया इसका ये मतलब है कि एनओ टू ऊपर है बाकी नीचे मामला पड़ा हुआ है और ये वाली रिंग पूरी फ्लैट पड़ी हुई है अब ऐसे सिस्टम के अंदर हमें ढूंढना होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या क्या होगा चलिए जगाइए अपने इच्छा शक्ति को और इसमें बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी इमेजिनेशन है कैसा एक रिंग प्लेनर मेरे पास जो पड़ी रिंग वो है प्लेनर और आपके पास पड़ी रिंग वो इस तरीके से परपेंडिकुलर करिए इमेजिन और बताइए वट डू यू थिंक अबाउट प्लेन एंड सेंटर चलो भाई बताते हैं धीरे धीरे बताते हैं देखिए अगर हम प्लेन ऑफ सिमिट्री की बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो रिंग पड़ी है वो फ्लैट है अब यहां से एक मान लो कौन सा ग्रुप गया है एनओ टू और एक साइड coh ग्रुप गया है उसी तरीके से दूसरी साइड चेक करें तो ऊपर क्या गया है no2 और नीचे क्या गया है coh गया है अगर मैं ऐसा प्लेन डालूंगा तो no2 वाली रिंग तो पूरी कट जाएगी जिसमें वो परपेंडिकुलर है डार्क से बनाया है लेकिन इधर coh को इधर no2 तो बात नहीं बन पाएगी अगर मैं ऐसा प्लेन डालूं तो प्लेनर वाली कट जाएगी ऊपर no2 को नीचे coh फिर से बात नहीं बन पाएगी यानी मैं ऐसे डाल लूं या ऐसे टल या वर्टिकल दोनों ही प्लेन क्या होंगे अब सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या कभी भी बाइफिना मिल सकता है क्या इस मॉलिक्यूल का सेंटर होगा कहां सा इस मोलिक्यूल का सेंटर कहीं यहां पर होगा जब आप यहां से टू डायमेंशन के अंदर बना के मत ढूंढ लेना यार यही गलती करते हैं मिल जाएगा बोलोगे अरे नहीं भाई

जहां बल्कि ग्रुप्स भी लगे हुए हैं और ये रिंग्स परपेंडिकुलर भी एग्जिस्ट कर समझ में आ रही है अब एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहां जो आपने स्मॉल साइज के ग्रुप्स लगाए हैं ना सर वो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो स्मॉल साइज की कैटेगरी में आते हैं और जब वो लगेंगे तो रोटेशन हो पाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो जो ऑब्जर्व किया है मैंने किताबों को देख के और एग्जाम्पल्स को देख के उसमें से पता चलता है कि हाइड्रोजन एक स्मॉल साइज का ग्रुप है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं fact, एक OH ग्रुप को भी हम स्मॉल साइज का ग्रुप ले सकते हैं एक ओ सी एस थ्री ग्रुप को भी याद रखना सिर्फ बाइफिनाइल्स की बात कर रहा हूं मैं को भी हम स्मॉल साइज की कैटेगरी में डाल सकते हैं इनफैक्ट अगर मान लो हमने एक फ्लोरीन ग्रुप भी ले लिया तो इसको भी स्मॉल साइज के ग्रुप में डाल सकते हैं और हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम को भी पकड़ सकते हो तो ये पांच ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अंदर किस कैटेगरी में स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं जी किस कैटेगरी में आते हैं इस की कैटेगरी में बात समझ में आ रही है अगर ये स्मॉल ग्रुप्स दोनों साइड लग जाते हैं मान लो एक इस साइड लग गया और एक इस साइड लग गया फिर से सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अगर ये स्मॉल साइज के ग्रुप एक एक मान लो इस इस साइड साइड लग लग जाए लग जाए तो ये क्या करते हैं टू एंड फ्रो रोटेशन कराने में सक्षम हो जाते हैं इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स रिपोर्टेड हैं बुक्स के अंदर उनको भी हमें पढ़ना होगा पर उन पे जाने से पहले कुछ एक जनरल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं मैं कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं आपके सामने ये बाईफिनाइल सी हैं अब इसमें आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कौन से इनएक्टिव हैं जरा सोच के बताना जरा मैं थोड़ा थोड़ा आपकी मदद करने के लिए एक साइड ऑफ द रिंग को डार्क भी बना देता हूं ये दूसरा वाला तो अभी हमने डिस्कस भी कर लिया यार वही वाला है नहीं फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल देगा ना तो वो मेरे ख्याल से डार्क नहीं देगा क्योंकि उन्होंने एक बार गेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यही सेम क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर था तो मैं लिख दे रहा हूं कि सेम कॉन्सेप्ट नॉट सेम क्वेश्चन उसके बाद एक इसको बना दिया और लास्ट वाला तो है चलो एक एक करके कोशिश करो जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको जितने चांद सितारे लगाओगे उतना ही कम है तो लगा सकते हो बताओ फटाफट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इसको बोल देते हैं बी इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी अच्छा कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन करने में सक्षम होते हैं हाइड्रोजन के साथ मतलब वो स्मॉल ग्रुप भी मिल जाए ना तब भी उनको लपेटे में ले लेते हैं बहुत ध्यान से सुनना यानी आपके लिए सी एग्जाम्पल भी कुछ नई बातें सिखाएगा आपको कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो पड़ोस में लगे हाइड्रोजन को भी रिपेल करेंगे वो कौन होते हैं उसमें से एक एग्जाम्पल एस होता है या फिर इसकी जगह मैं क्या ले लू ब्यूटाइल ग्रुप ले, ले या फिर एक और ग्रुप होता है मैं एस पॉजिटिव इस पे मैं तीन बल्कि बल्कि मीथाइल ग्रुप लगा लू ये ऐसे तीन ग्रुप्स होते हैं जो अगर पड़ोस में हाइड्रोजन भी लगा दोगे ना तो भी रिपल्शन करने को तैयार होते हैं और रिंग्स को परपेंडिकुलर कर देते हैं इस बात को भी यही नोट डाउन करके लिख लेना अब एक एक करके समझते हैं बी वाला तो हमने पहले ही समझा दिया है तो इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी और यह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा सी वाले के, के केस को देखते हैं इसमें तीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन को भी रिपल्शन दे सकते हैं एक दो और तीन ठीक है रिंग परपेंडिकुलर होगी अब क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है तो सर देखो ना इधर भी अलग अलग टाइप का मामला और इधर भी अलग अलग टाइप का मामला सर कहा अलग है दोनों हाइड्रोजन है यार हाइड्रोजन के आगे बी आर तो है ना इधर बी आर को बी आर क्या दिखाओगे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा सर काट काट देंगे उसको प्लेन में काट दो तब एच और एच को सल्फोन ग्रुप आपका नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगा बात समझ में आ रही है तो वही ए बी ए बी का कॉन्सेप्ट लगा दिया या इमेजिन करके देख लो एक ऐसा प्लेन डाला तो बी आर वाला रिंग कट जाएगा तो इधर SO3H को H बात नहीं बनेगी SO3H को काट दो तो ऊपर को BR वाली पोर्शन नीचे को BR है ही नहीं बात नहीं बनेगी यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री कान पकड़ा है होता ही नहीं है बाइफिनाइल्स में यानी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा दो एग्जांपल्स निपटा दिए मैंने चौथा वाला एग्जांपल और बता दो ये तो बाइफिनाइल है ही नहीं इसका परिवार ही बदल गया ये कुछ और बन गया है सोचो जरा इसके अंदर पहचानो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी बताएं जरा फोर्थ वाले मॉलिक्यूल के बारे में वट डू यू से अबाउट प्लेन एंड सेंटर बताएं फटाफट इसमें प्लेन होगा सेंटर होगा क्या होगा दोनों नहीं होंगे दोनों होंगे कुछ तो बोलो यार सर मैंने गुजरात वाले हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अरे भाई आप गुजरात के क्या पाकिस्तान से भी हैं तब भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्या बात कर रहे हैं आप गीता जी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक है फ्री की चीजें हैं सीखिए जितना सीख सकते हैं चलिए तो जब इसके अंदर चेक किया जाएगा ना तो देखो इसमें सारा का सारा सिस्टम ना प्लेनर बन गया है कैसे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है एसपी टू क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस करे लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा इसका मतलब ये सब प्लेनर है तो एक ऐसा प्लेन लेके आओ जो चीरता फाड़ता सबको काटता पीटता निकल जाए इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सेंटर में बैठी है सर यहां होगा सेंटर इधर जाएंगे नाइट्रोजन इधर आएंगे नाइट्रोजन इधर जाएंगे कार्बोनिल इधर जाएंगे कार्बो सर ये क्या हो रहा है सब जगह सेम ही मिल रहा है तो वो भी होगी ऐसी सिचुएशन में ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा जी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बोलिए बात समझ में आ रही है इज दिस क्लियर और नॉट अब आते हैं फर्स्ट वाले एग्जांपल पे फर्स्ट वाले एग्जांपल में स्मॉल साइज के ग्रुप्स को लगाया गया है लेकिन कई बार ये बच्चों को भ्रम में डाल देता है वो कहते हैं सर सीयूएस सीयूएस तो रिपल्शन कर जाएगा जब फ्लोरीन जैसे स्मॉल साइज के ग्रुप्स लग जाएं वो भी दोनों साइड लग जाएं तो फिर ये टू एंड फ्रो रोटेशन कर सकता है यानी ये जब टू एंड फ्रो रोटेशन करेगा ना तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो मैं अभी के लिए तो बस ये लिख दे रहा हूं कि टू एंड फ्रो रोटेशन यहां पर पॉसिबल है और अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है आओ आगे देखते हैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा एलोबरेट करते हैं हम्म ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने यही वो मॉलिक्यूल है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अब इस मॉलिक्यूल को दो तरीके से बना रहा है एक बार हमने मान लो फ्लोरीन को कैसा लिया है अब क्योंकि हम जानते हैं रोटेशन हो सकता है तो एक बार फ्लोरीन वाला पोर्शन अब, अब प्लेन है और यहां पे सर ये रोटेशन हुआ और एक बार ऐसा सिचुएशन बना कि ये सारा का सारा सिस्टम प्लेनर हो गया क्योंकि यार अगर रोटेशन करना है तो क्रॉस तो करोगे ही यानी एक न समय जरूर आएगा जिसमें सारे सबेंट एक ही प्लेन में और फिर से जब रोटेशन होगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि सीओ एच अब, अब हो जाए। बोलो बात समझ में आ रही है यानी मॉलिक्यूल का ये फॉर्म भी कायरल है और ये फॉर्म भी कायरल है लेकिन सच्चाई क्या है जानते हो सच्चाई ये है कि फर्स्ट और ये जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है इसको मैं बोलूं फर्स्ट और इसको मैं बोलूं थर्ड तो ये दोनों बना लेते हैं रेसमिक मिक्सचर ओ oh माय गॉड यानी एक आर कॉन्फिगरेशन का होगा तो दूसरा एस अगर दूसरा पहला एस होगा तो दूसरा आर और जब ये इक्वल अमाउंट में तो रेसमिक मिक्सचर और जो बीच वाला कंपाउंड है इसमें भर भर के क्या प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि प्लेनर है प्लेन लेके आएंगे सबको चीरते फाड़ते काटते पीटते निकल जाएंगी तो सर ना फर्स्ट और थर्ड ने कंट्रीब्यूट किया में और ना सेकंड ने कंट्रीब्यूट किया तो ओवरऑल सॉल्यूशन तो क्या बन जाएगा जी ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा ना बोलो बात समझ में आ रही है अगर कोई पूछे कि इसके पीछे रीजन क्या है तो क्या बोलोगे बोल देना कि रेसिमाइजेशन का फिनोमिनन चल रहा है क्या ये वही फीलिंग नहीं दे रहा जो फीलिंग अभी पीछे हमें आई थी जब हम सिस मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे कितने लोग इस एग्जाम्पल को उस एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हैं जरा एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताओगे क्या कैन यू रिलेट दीज टू एग्जाम्पल्स और नॉट बताओ जरा फटाफट क्या वैसी सी फीलिंग आ रही है सर आर एस कब बताएंगे आर एस जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस कर देंगे तो अभी आरएस के लिए उतना परेशान मत होना बताओ बात समझ में आ रही है तर एक बल्कि एंड अदर स्मॉल होगा तो भी टू एंड फोर रोटेशन होगा अब देखो यहां पर हमने दो बल्की और दो स्मॉल लगाया तब तो हो ही रहा है। और एक ही बल्कि लगाओगे और तीन स्मॉल लगाओगे तो हो ही जाएगा रोटेशन ठीक है क्लियर हुआ तो वही कॉन्सेप्ट उधर वही इधर वहां भी रीजन कॉन्सेप्टीजन था यहां भी रीजन रेसमाइजेशन है लेकिन यहां टू एंड फ्रो रोटेशन वजह से ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है क्लियर है चलो इसी के परिवार का एक और एग्जाम्पल है जब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस एग्जाम्पल से ये जो आप बुक की स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये एक बहुत ही प्यारी स्टीरियो केमिस्ट्री की पीएस कलसी नामक की किताब है इसको ध्यान से देखो इसके अंदर वो कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करना चाह रहे और कुछ अपनी दुख दर्द को भी सुनाना चाह रहे हैं देखो जब हमने इस तरह का एक डाइफिन एसिड लिया तो ये एक अकार मॉलिक्यूल बताया गया अब इसके अकारल होने का मैं आपसे रीजन पूछूं तो क्या बोलोगे जल्दी से बताना जरा कमेंट सेक्शन में लिखो ये डाइफिनिक एसिड अकारियल कैसे हो गया मैंने आपको पूरा रायता समझाया है मुझे आंसर चाहिए आपसे जल्दी बताओ ये डाइफिनिक एसिड कायरल कैसे हो गया क्या यह परपेंडिकुलरली नहीं एग्जिस्ट करेगा बहुत बढ़िया हम समझ तो रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं पर मुझे वो वर्ड चाहिए जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो वर्ड बताओ ना रोटेशन ठीक है रेसमाइजेशन कौन सी फिनल चल रही है यहां पे रेसमाइजेशन ये एक एक्यूरेट आंसर निकलेगा यहां से बोलो बात समझ में आई है नहीं बिल्कुल टू एंड फोर रोटेशन होगा रेस्मिक मिक्सचर बन जाएगा और फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव अब किताबें क्या कहती हैं इसके बारे में इसको भी एक बार पढ़ देते हैं और हिंदी में आपको समझा देते हैं कह रहा है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द ऑप्टिकल एक्टिविटी द सब्स्टिट्यूएंट इन द ऑर्थो पोजीशन मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रिवेंट द टू रिंग टू बिकम कोप्लेनर यही कह रहा है कि आपको बहुत बल्की ग्रुप्स लगाने होंगे ताकि आप इस बात को प्रिवेंट कर सके कि आपके रिंग्स प्लेनर बन जाए बात समझ रहे हो यही कह रहा है फिर कह रहा है एग्जाम्पल कौन सा पता नहीं ऑल रिजॉल्व डाइफिनिक एसिड जो डाइफिनिक एसिड है वो इसको रिजोल्वेबल बनाना चाहते थे resolvable वो compounds होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे attempts लगाए कि ये जो acid है, ये जो डाइफिनिक एसिड है हो सके ऑप्टिकली एक्टिव हो सके पर वी हैव फेल्ड हम ऐसा करने में फेल हो गए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जा रहा था द प्रोसेस ऑफ स्लिपिंग ऑफ ए स्मॉल हाइड्रोजन पास्ट दि का एसिड ग्रुप

एक एग्जाम्पल टू भी डाल देना ये जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों ग्रुप्स बल्कि लगे हुए हैं तो ये तो कायरल होगा लेकिन जब मैं इसको इस तरीके के मॉलिक्यूल में बना दूं यानी हम यहां पे क्या करें इनको जोड़ दें आपस में यानी कि समझ लो हाइड्रोलिस करा दें ताकि एसिड और नाइट्रोजन बॉन्ड बना लें तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है अकारयरल मॉलिक्यूल बन जाता है क्योंकि इसके अंदर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या इस पेज की सारी इंफॉर्मेशन आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो बताना एक बार ये जो मैंने ऊपर किया है जो मैंने समझाया वो समझ में आ रहा है दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में चिपका सकता है या गेट एग्जाम दे रहे हो तो मल्टीपल सेलेक्ट में पूछ सकता है या नेट दे रहे हो तो चार मार्क्स में चिपका सकता है या सेट दे रहे हो तो सेट में भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है Is this clear? तो मैंने आपको दो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स बताए एक तो डाइफिनिक एसिड वाला और फिर डाइफिनिक एसिड का ही दूसरा भाई जिसमें फ्लोरीन लगी होती है ठीक है ना बोलो भाई एक बार कुछ तो बताओ यार इज दिस एग्जाम्पल क्लियर तो यहां से फिर आगे चलते हैं और कुछ और भी सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस कराया जाए फिर क्लियर 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 यस सर यस सर यस सर बहुत ही बड़ी एक्सेलेंट। अच्छा चलो अब इसको ना पूरा उतार मत लेना कॉपी में जो खाली मैंने एग्जांपल्स यहां दिखाए उनको लिख लेना और छोटी छोटी बातें ऐसी जो आपको समझ में आई हैं वो लिख लेना अपनी लैंग्वेज के अंदर जरूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज को ही छाप रहे हैं चलो अब वो मॉलिक्यूल्स जो ऐसे दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में रह सकते हैं ना जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है हम बोलते हैं कि यही मॉलिक्यूल्स को एट्रॉप आइसोमर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं जी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक मान लो आर फॉर्म होगा एक एक्स फॉर्म हो जाएगा तो इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये एट्रॉप आइसोमर्स हैं यानी बाईफिनाइल्स के के केस में ही मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है एट्रॉप आइसोमर्स ये एक टर्म है जो इन केस इस्तेमाल कर ले तो हम उसके लिए भी तैयार रहें हमें समझ में तो आए कि इसका मतलब क्या है क्लियर है चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अगला सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एडमंटेन अगर आपने चेयर सिस्टम समझ लिया था ना तो एडमंटेन समझना एक बहुत आसान काम है थोड़ा सा आपसे को, आप चाहिए होगा कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कुछ पूछूंगा जवाब जल्दी दीजिएगा मान लो मैंने एक चेयर फॉर्म बनाई ये रही मस्त झकास और इसके अंदर हमने एक प्लेन डाला मुझे बताओ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एबसेंट है फटाफट से हा में जवाब देना है आपको सिर्फ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एबसेंट है और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है थोड़ा जल्दी प्लीज और सभी लोग करेंगे इतना तो कर ही सकते हो बहुत बढ़िया मैंने दो सब्सटिटेंट और लगाए एक सब्सिटेंट यहां पे लगाया एक सब्सिटेंट यहां पे लगाया बताओ अब प्रेजेंट है या एब्सेंट है ऐसी सिचुएशन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट और, और एब्सेंट जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। प्रेजेंट है अगर मैं इसमें एक और सब्सिटेंट लगा दूं, मान लो मैंने यहां भी लगा दिया ऐसी situation के अंदर क्या होगा प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा अभी भी प्रेजेंट होगा मान लो मैंने इनको लाके यहां से जोड़ दिया इस तरीके से धीरे धीरे मैं एडमन की तरफ बढ़ रहा हूं अब बताओ इस सिचुएशन में प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा इसमें भी प्रेजेंट होगा पूछो क्यों क्योंकि ये वाला जो कार्बन आप ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हो सर ये ना प्लेन में ही कट जाएगा और एकदम बीच से प्लेन जाएगा ये जो रेड कलर का बॉन्ड है इस रेड कलर के बॉन्ड को चमचम रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अब फाइनली मैं इसको यहां से जोड़ भी रहा हूं अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है बताना जरा प्लेन ऑफ सिमिट्री इज प्रेजेंट और एबसेंट ये जो फाइनली अब तैयार हो गया ना इसी को क्या बोलते हैं एडमन टेन बोलते हैं यानी एडमन टेन के अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है सर बहुत ध्यान से सुनना ये जो काले रंग का बॉन्ड है ये जो काले रंग का कार्बन है ये जो काले रंग का सब्सटिट्यूंट यहां लगा हुआ है मतलब बॉन्ड है और ये जो काले रंग का सबस्टिटेंट यहाँ लगा रहा हूं ये सब एक प्लेन में कट जाएंगे लाल वाले वॉयलेट लाल वालों को, वाले 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 वालो को रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और रिंग को तो आप जानते ही हो वो दो हिस्सों में कट ही जाती है क्या बात समझ में आ रही है मैं यहां कुछ भी एक्स वाई जेड लगा दूं ये भी प्लेन में कट जाएगा ये होते हैं आपके एडमटेन सिस्टम मैं कुछ सिस्टम्स बना रहा हूं एडमिनटेन के आपसे जानना चाहूंगा कि इसके अंदर बताना प्लेन ऑफ मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे मान लो हमने यहां बी आर लगा दिया इस सेंटर पे सीएल है इस सेंटर पे सीएल है और यहां पे भी हमने क्या लगा दिया बी आर बताओ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव नेक्स्ट मैं बना रहा हूं फिर से एक एडमटेन यहां पे हमने क्या लगा दिया मान लो इस बार हमने एक बी लगाया इस सेंटर पे हमारे पास सी है इस सेंटर पे हमारे पास एफ है अब आपको बताना है कि इसके अंदर प्लेन मतलब प्लेन और सेंटर ढूंढना है और चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बताइए तो जब हम फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं ना तो यहां से प्लेन पास करेंगे सर जब ये प्लेन पास होगा तो कौन कौन प्लेन में कट जाएंगे पता है ये सर पूरा आपका कार्बन ये बी आर यहां से ये पूरा रेड कलर का सिस्टम इस प्लेन में ही कटता पीटता निकल जाएगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी इस सीएल को ये वाला सीएल रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री एडमटेन में हो सकती है क्या सोच के देखो जरा सेंटर में बैठ के ऊपर जाओगे तो कार्बन मिलेगा और नीचे तो कुछ मिलेगा ही नहीं रिंग के बीच में से निकल जाओगे तो सेंटर तो एबसेंट होगा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया है और वहीं दूसरे वाले एग्जांपल के बारे में क्या कहना है व्हाट अबाउट पीओ एंड व्हाट अबाउट सीओ बताओ फटाफट अगर इसके अंदर हम प्लेन इंट्रोड्यूस करें तो प्लेन कैसे जाएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर बियार जो है, वो तो कट जाएगा लेकिन सीएल को फ्लोरिन बात बनेगी नहीं यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है सेंटर भी एब्सेंट है ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा क्या बात समझ में आ रही है वैसे और बहुत कुछ है एडमिन के अंदर डिस्कस करने के लिए वो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद भी बहुत सारे सिस्टम्स अभी भी बचे हुए हैं जैसे कि एक और एक कंपाउंड्स भी हैं उनको जल्दी से निपटा के नेक्स्ट लेक्चर से आपका आर एस यानी सी आई पी रूल वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं बाकी की जानकारियों के लिए और एपिसोड्स के लिए मुलाकात करिए कल जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं आपसे रिक्वेस्ट है शाम को पांच बजे लाइव आओ अगर आप लाइव ज्यादा जुड़, लोग जुड़ोगे तो मुझे मजबूरन इस सीरीज को पूरा खत्म करना होगा वरना अगर आप ऐसा रिस्पॉन्स दोगे तो फिर शायद पूरा ना कर मैं ठीक है चलिए थैंक यू सो मच पर मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा थैंक यू सो मच एवरी वन टेक केयर गुड बाय जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी लास्ट क्लास में जुड़े हैं फिर से उनको एक बार बता देते हैं आने वाले सी एस आई आर नेट के लिए वी दीम इज लॉन्चिंग अवर बैच ऑन ट्वेंटी जनवरी तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी चाहिए आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वहां पर भी आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं उसके बाद कल शाम को पांच बजे फिर से इसी सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा इन सेशंस के अंदर कुछ नई और गहरी गहरी बातें आपको सिखा रहे हैं थोड़ा हायर लेवल पे भी जा रहे हैं आज तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे गए थे बाई फिनाइल्स के अच्छे अच्छे केस डिस्कस किए थे उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय तो सुषमा जी अगर आपने बुक परचेस करी है तो अब आपको उनमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी फिर